अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंगरौली में भी प्रदर्शन किया गया। आप नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार करवाया गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। सिंगरौली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपकी प्रदेश अध्यक्ष व सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल, आप नेता अभिमन्यु सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रानी अग्रवाल व आम आदमी पार्टी के नेता अभिमन्यु सिंह चंदेल ने कहा कि भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा गए हैं, इसीलिए बिना किसी ठोस कारण के केजरीवाल को गिरफ्तार करवा के उनसे बदला लिया जा रहा है। सरकार शासन सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक प्रकार से कहा जाए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप सब जानते हैं कि मोदी जी ईडी सीबीआई का सहारा लेकर उनको आगे कर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को और भी हमारे तमाम नेता हैं उनको, मनीष सिसोदिया जी को, सतीन जैन जी को, सबको उन्होंने घोटाले में एक करा है गिरफ्तार, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। झूठे आरोप में फंसा रही है और आप सब जानते हैं कि केजरीवाल जी देश के बेटे हैं और भाई हैं, उन्होंने हमेशा जनता के लिए काम किया है और इस प्रकार मोदी जी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लग रहा है। अगर उनमें ताकत है, हिम्मत है तो छोड़ के दिखाएं और ये लोकसभा का चुनाव आज लड़के और जीत के दिखाएं, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी को पूरा देश जानता है कि आप पार्टी सिर्फ काम के लिए काम करती है और काम की राजनीति करती है, इसलिए उनसे बचने के लिए मोदी जी लोकसभा को जीतने के लिए आज हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को रात में गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देश की जनता जानती है और इस बार का जो चुनाव होगा वो जनता लड़ेगी और पूरे होश हवास में इस बार देखिएगा कि जनता पूरी ताकत से आगे जवाब। अरविंद केजरीवाल जी भारत के बेटे हैं, हमारे सबके नेता हैं और पूरे माताओं बहनों के भाई हैं और गरीबों मजलूमों दलितों शोषितों के सर्वहारा वर्ग के नेता हैं। ऐसे नेतृत्व करिश्माई नेतृत्व को जेल में बंद करके मोदी जी ने तानाशाही रवैया अपनाया है और जिस तरह से जर्मनी में हिटलर ने इस तरह की कुकृत किया था उसी तरह मोदी जी हिटलर शाही अपना रहे हैं। जितने भी नेता हैं भारत में उनको धीरे धीरे जेलों में बंद करना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरह का जो आतंक है अभी तक अंग्रेजों के समय में भी जुल्म नहीं किया गया था। मोदी जी ने लोकतंत्र का जिस तरह से दुरुपयोग किया है वो आगे आने वाले समय में जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगी और हमारा जो लोकतंत्र है, जो जनता है वो बचाने का काम करेगी। एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल बन करके गांव गांव जाकर के लोकतंत्र का बचाने का काम करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।